नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल गेहूं की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको गेहूं की पांच ऐसी वैरायटियां बताएंगे जिन्हें यदि आप लगाते हैं तो आप गेहूं की फसल से कम लागत में कम समय में बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम किसी फसल को लगाते हैं या किसी फसल की बुवाई करते हैं और फसल की बुवाई करने से पहले हम किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो हम वाकई में ही किसी भी फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि पैदावार को बढ़ाने के लिए जो वैरायटी होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो थोड़े होशियार किसान होते हैं या चालाक किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो वैरायटियाँ सबसे अधिक पैदावार देती हैं, बढ़िया उत्पादन देती हैं, उनका सिलेक्शन वो पहले से कर लेते हैं और उन्हीं वैरायटियों को लगाते हैं और अपनी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों। तो इन पांचों वैरायटी के बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप इन पकने के बाद में ये वैरायटियां कितनी पैदावार देकर जाती हैं और इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, यदि आप उस राज्य में गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको उस एरिया की सबसे अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। उसके बाद उसके अंदर जो खाद फर्टिलाइजर आपको लगाने हैं उन खादों का इंतजाम करना है, तभी किसान भाइयों आप गेहूँ की फसल से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा, किसान भाइयों, आप जब गेहूँ की बुवाई करें तो गेहूँ के बीज को उपचारित जरूर करें, अर्थात जो गेहूँ का बीज होता है उसका सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लें। बीज को उपचार करने से किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल के अंदर बीमारियां कम से कम आती हैं, जमा पूरा होता है और फसल के अंदर जो पौधे होते हैं उसके अंदर फुटाव ज्यादा होता है और जो तने वाले रोग होते हैं, जड़ वाली बीमारियां होती हैं जैसे दीमक है, फंगस है या किसी प्रकार की भी ब्लाइट है, ये फसल के अंदर नहीं आती किसान भाई। तो इसलिए आप जब भी गेहूँ की फसल की बुआई करें या बीज की बुआई करें तो उस बीज को उपचारित जरूर कर लें। यदि आपको मार्केट से पहले से ही उपचारित बीज मिलता है तो आप उसे ऐसे ही लगा दें, यदि आप बीज उपचारित नहीं है तो आप बीज का उपचार जरूर कर लें। बीज को उपचार करने के लिए किसान भाइयों बायर की एमिस्टो प्राइम ले सकते हैं, यह बहुत कंपनियां देती हैं जो खासतौर पर बीज को उपचार करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो जो साफ फंगिसाइड आता है जिसके अंदर टेक्निकली बात करें तो मैनकोजेब प्लस कार्बेंजिम आता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। लेकिन गेहूं की बुआई करने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें किसान। अब किसान भैया हम बात कर लेते हैं पांच सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है GW513। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बेस्ट वैरायटी है और सबसे अच्छा उत्पादन देकर जाती है। इसके यदि हम बुवाई करने की बात करें तो इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें या बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि बात करें इस वैरायटी के अंदर रोगों की तो इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता किसान भाइयों। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है DBW187, काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसके बुवाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो आप इस वैरायटी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग
27 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और तीसरी वैरायटी की यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है HI 8759, काफी पॉपुलर वैरायटी है और मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा मानी जाती है और मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस वैरायटी को लगाते हैं और अपनी फसल से बढ़िया उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 42 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। चौथी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है DBW 303 जो करण वैष्णवी के नाम से आती है। इस वैरायटी के बुवाई करने वाले क्षेत्रों की बात करें तो आप इस वैरायटी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि क्षेत्रों में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल की बुवाई कर सकते हैं और गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं अंतिम पांचवी वैरायटी के बारे में, तो ये हमने रखी है श्रीराम सुपर 303। काफी फेमस वैरायटी है और बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है किसान भाइयों, क्योंकि लगभग 70% जो किसान होते हैं इस वैरायटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये वैरायटी सबसे ज्यादा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लगाई जाती है किसान भाइयों। और इसके अलावा किसान भाइयों आप इस वैरायटी को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आते हैं, बीमारी नहीं आती है, क्योंकि नई वैरायटी है और नई वैरायटी के अंदर कम से कम बीमारियां आती हैं किसान भाइयों, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जो पांच वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, इन वैरायटियों में से आप किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आप गेहूं की बुवाई कर सकते हैं और गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में इससे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं तो आप उस वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे भाइयों को कमेंट में भी बता सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद गेहूं की फसल की बुवाई कर सकते हैं और बुवाई करने के बाद गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।